चलें जी फाइनल पॉइंट नहीं भाईजान, ये मेरे पास है, मैंने अभी तक देखा नहीं है कि किसका नाम है जिनको आज हम बाय बाय बोलेंगे यहाँ से। तो जो डेंजर जोन में थे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यहाँ पे आ जाएं। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो डेंजर जोन में थे, जिनका नाम बुलाया जाएगा, जिनका नाम बुलाया जाएगा वो मुझसे हाथ मिला के कोई बात करके यहाँ से जाके वहाँ बैठ सकते हैं जी। अगर आपका दिल करे मुझसे मिलने का, अगर नफरत आ रही हो तो फिर वैसे ही चले जाइएगा। मैंने प्रोग्राम के शुरू में इन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि कौन कौन लोग डेंजर जोन में हैं। एक सर्टन लाइन है, अगर वो लाइन क्रॉस नहीं होती है तो उस प्लेयर को यहाँ से जाना पड़ता है, और ये सिलसिला मुझे बहुत बुरा लगता है, एक्चुअली बहुत बुरा लगता है। अगर किसी की दिलाजारी होती है मैं पहले उनसे माजरत करता हूँ, लेकिन ये फॉर्मेट पहले अनाउंस कर दिया गया था, पहले बता दिया गया था, तो सबसे पहले टीम टिकटॉकर्स में जो सेफ हैं उनका नाम मैं लूंगा। जी हाँ, टिकटॉकर्स में देखते हैं कि कौन सेफ है। बिलाल या असद, कौन से? आप दोनों में से एक सेफ है और एक को यहां से जाना होगा। हैरान कुन रिजल्ट्स, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चार लोग क्यों इस वक्त डेंजर जोन में खड़े हैं, बट जो सेफ हैं उनका नाम है बिलाल। आप सेफ हैं। अनबिलीवेबल, मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। मैंने कुछ चार दफा ये पेपर उठा के देखा है कि मैं शायद गलत पढ़ रहा हूं। असद, तुम हमेशा से जान हो हमारे शो की, तुम्हें पता है इस बारे में, और ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या वजह लग रही है तुम्हें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज सीरियसली मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कि ये कैसे पॉसिबल है। बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हो पाया, शायद इसी वजह से। यार पागल, कम ऑन असद, दिल बड़ा करो, कम ऑन यार, गेम में जाओगे यार। असद कुत्ते का बच्चा, थूक लगा तू। प्लीज, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैं आप सबसे भी ये बात बार कह रहा हूँ, प्लीज वोट कीजिए।
जो आपका फेवरेट पार्टिसिपेंट है प्लीज उसको वोट कीजिए। जो भी हमारे फैंस हैं, मैं चाहूंगी मेरे फैंस, हम सबके फैंस, वो प्लीज असद के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करें ताकि वो वापस आए हमारे साथ। रिटर्न है, तायरान वापस आया है, आशिर वापस आया है, दुआ वापस आई है, नबील वापस आया है। सो ये आप लोगों के वोट्स हैं जिसकी वजह से शहीर इज हेयर, अरीशे यहाँ पर है, हफ्सा यहाँ पर है, सोनू यहाँ पर है, ये आप लोगों के वोट्स हैं जो इनको लेकर आए हैं। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, ये सिलसिला मुझे बहुत बुरा लगता है। ये जिस दिन हाँ असद, प्लीज डू वोट फॉर एवरीवन, यू वांट अस बैक, प्लीज डू वोट, प्लीज। मैं एक बात कहना चाहूंगा, तबीयत तुम्हारी खराब है, तुम सोशल मीडिया पे शायद इतने एक्टिव नहीं हो, माइक है इसके पास, बट थोड़ा सा यू हैव 4 days टू गो, जगा दे सबको। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आपको शायद इस सीजन में आपको एंटरटेनमेंट नहीं किया, बट आई रिक्वेस्ट यू आप मुझे वोट करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ में दामन करूंगा। और आपको पता है इस सीजन में मधिया नहीं थी और उसका भी मुझे थोड़ा सा गम था, बट इंशाल्लाह एक आदमी फंसा हुआ एक जगह भाई, लेकिन सीरियस में भी कॉमेडी ले आएगा वो। लेकिन फैसल भाई थैंक यू, सबसे ज्यादा हम मैं शो से ज्यादा भी आपको मिस करूंगा। चलो थैंक यू सो मच असद, माइक दे जाओ, बाहर आओगे, बाहर आओगे, बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ। सो इट्स अ टाइम फॉर इंस्टाग्रामर्स, मैं जो नाम लूंगा वो आज यहां से चला जाएगा और ये बहुत अजीब लग रहा है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। एलिमिनेशन है जी, मानूर, तायरान, आप दोनों की एलिमिनेशन। क्या करूं सीरियसली सर यार, प्लीज सर, प्लीज यार सर, आप मुझे लेकर आए थे इस शो में, मैं आपका फेवरेट हूं, मुझे ऐसा लगता था। तायरान सर, मैंने अपने बेस्ट देने की कोशिश की है पूरे शो में हमेशा, मुझे गुजारिश है मेरे फैन से, प्लीज मुझे वोट कीजिए। मैं अपने फैन से, पूरी टीम के फैन से गुजारिश करूंगी, सबके लिए वोट करें। हम सबका ये जो यहाँ पे बॉन्ड है, आप लोग को शायद अंदाजा नहीं होगा, हम स्क्रीन पे नजर आते हैं, हम लोग एक दूसरे से बेहद क्लोज हैं क्योंकि हम 6-7 महीने से साथ काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कोई एक दूसरे से भी अलहदा हो या दूर हो या हमें बैठ के स्क्रीन पे देखे। तो मैं चाहती हूँ आप सब ज्यादा से ज्यादा वोट करें, हमारे जितने भी फैंस हैं इनके लिए लाजमी वोट करें। थैंक यू, प्लीज। तारण तो बहुत अच्छा गेम खेलते हैं और तारण के लिए
जरूर वोट करें, इतना एंटरटेन करता है, प्लीज वोट कर तारान के लिए, जरूर वोट करें, बैक तारान। यार ये वैसे बहुत बकवास है यार, ये प्लीज प्लीज अपनी जगह पे बैठे हफ्सा। ये सर मैं एक दफा आपको हक करना चाहता हूं, मैं दो दफा कर यार, मैं शुरू में एक रूल आया था ये, तो हम लोगों ने कहा ठीक है इसको फॉलो करते हैं, लेकिन इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे दिस इज एब्सोल्युटली, मतलब मेरे लिए खुद बड़ा शॉकिंग है ये, बट हमारे पास 5 दिन है सबके पास, चाहे वो मानूर है, चाहे वो तायरान है, या वो असद है, या कोई और भी है जो लोग यहाँ से जा चुके हैं जिनके लिए वोट्स आते जाएंगे। कई दफ़ा ये होता है हम रिलैक्स हो जाते हैं कुछ चीज़ों में, हमारे साथ भी होता है, बट आई एम सॉरी तायरान, कुछ कहना है तो फिर मैं बस मैं यही कहना चाहूँगा अपने फैन से, प्लीज मुझे वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज प्लीज डू वोट फॉर हिम, प्लीज प्लीज दुआ पीछे हो जाओ। अपने फ्रेंड्स को यही कहना चाहूँगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, और मैं गेम खेलना चाहती हूँ, और मेरी अभी अभी इन सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, और मैं गेम में दोबारा वापस आना चाहती हूँ। थैंक यू तारान, प्लीज तारान बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, इसे प्लीज वापस बुलाएं। थैंक यू आशिर, ईशा, हाँ वो मानूर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फैसल कुरैशी, बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा।